और ये देखो पुलिस वाले अंकल ने तो हेलमेट ही नहीं डाली हुई है, तो रोहन भाई ने आई पकड़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी यूर आर के कश्यप। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना शेयर। तो गाइज आज हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। अभी रोहन भाई आ चुके हैं, जो कि मैंने इनको बहुत ही वेट करवाया था, तो मैं गया था किसी काम से और अभी रोहन भाई मेरे आगे आगे चल रहे हैं। तो आज का प्लान है हमारा हिमालय का टेस्ट ड्राइव लेने का, जो कि रोहन भाई से अभी बात हुई है मेरी। तो ये हम पहुंच चुके हैं विजयपुर में। तो विजयपुर में एक शोरूम है रॉयल एनफील्ड का, जो कि सामने अभी हम पहुँच जाएँगे स्वांखे के पास। स्वांखे के पास ये है शोरूम। तो अभी हम चलते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे और दिखाते हैं आपको एक बाइक हिमालय की टेस्ट ड्राइव। तो ये है यहाँ का हिमालय, ठीक है। बाइक रोहन भाई ने लेनी है, वो तो यहाँ पे है नहीं और ना ही अभी कोई टेस्ट ड्राइव है, हैं? चलो चलो और ये। तो गाइज इस शोरूम में तो मिली नहीं हिमालय की टेस्ट ड्राइव और ना ही यहाँ पे कोई बाइक पड़ी हुई है जो कि हम खरीद सकें, जो कि रोहन भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं जम्मू की साइड, जम्मू में जो एक्सट्रीम मोटर है वहाँ जाके देखते हैं कि हिमालय की टेस्ट ड्राइव मिलती है कि नहीं। तो हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाज़ा के पास, टोल प्लाज़ा करते हैं क्रॉस, तो चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं जम्मू की साइड, जम्मू में करेंगे टेस्ट ड्राइव। और ये देखो पुलिस वाले अंकल ने तो हेलमेट ही नहीं डाली हुई है, तो रोहन भाई ने आई पकड़ ही लिया हुआ है शायद। तो देखते हैं क्या करते हैं रोहन भाई। और ये पुलिस वाला भाग गया है फुल स्पीड में और रोहन भाई उनके पीछे पीछे, जो कि इस तरह, क्योंकि ये जब हम भी विदाउट हेलमेट आते हैं तो ये चलान करते हैं, आज वही रोहन भाई इनका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि ये सेफ्टी का सवाल है। ये हमें सिखाते हैं कि सेफ्टी होनी ज़रूरी है, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन ये खुद भी हेलमेट नहीं डालेंगे तो फिर किस बात की कि ये हमसे चलान काटते हैं। चलान तो काटेंगे नहीं, लेकिन अभी देखो रोहन भाई फुल स्पीड में इनका पीछा करते हुए जा रहे हैं, जो कि इनको पकड़ रहे हैं कि विदाउट हेलमेट मत निकले यहाँ से बाहर, क्योंकि हेलमेट डालोगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी, इसलिए रोहन भाई इनको रोक रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाले रुक नहीं रहे हैं, तो रोहन भाई ने रोका नहीं। हाँ भाई ये देखो ना ऐसे भाग रहे हैं, हाँ निकल गया, भाग गया भाई। तो कोई बात नहीं, भाग तो गया, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि हेलमेट डालनी ज़रूरी है, वो भाग गया भाई। तो चलो अभी रोहन भाई ने जो बंदा पकड़ा था वो पुलिस वाला बंदा था, लेकिन विदाउट हेलमेट जा रहा था। रोहन भाई इसलिए रोक रहे थे क्योंकि उन्हीं की सेफ्टी थी ये, ताकि वो भी हेलमेट डाल सकें और अपनी सेफ्टी बचा सकें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर क्लास। तो गाइस ये है शनी का रॉयल एनफील्ड शोरूम, जो कि एक्सट्रीम मोटर के नाम पर है। अभी हम चलते हैं एक्सट्रीम मोटर, जो कि हमने टेस्ट ड्राइव लेनी है हिमालय की। तो ये यहाँ से अभी क्रॉसिंग करते हैं और चलते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम के अंदर। तो अभी यहाँ पे सिग्नल लग चुका है, तो चलते हैं आगे। तो करते हैं यहाँ पे बाइक को पार्क और चलते हैं अंदर की तरफ। और चाचा जी क्या हाल है, ठीक हो? तो बस चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर जो बाइक्स हैं दिखाते हैं आपको कौन कौन सी बाइक है अंदर। और सामने हमें मिल चुका है इंटरसेप्टर और सामने जो, तो ये है गाइस 650 इंटरसेप्टर रॉयल एनफील्ड की तरफ से आता है, जो कि एक क्रूज़र बाइक के बहुत ही ख़तरनाक बाइक है, जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से है। तो अभी गाइस यहाँ पे रोहन भाई निकल चुके हैं, जो कि टेस्ट ड्राइव के लिए भी कह रहे हैं हिमालय टेस्ट ड्राइव। तो ये है वो जो बाइक हिमालय टेस्ट ड्राइव, जो कि टेस्ट ड्राइव के लिए यहाँ पर पड़ी होती है। तो अभी गाइस रोहन भाई ने बाइक स्टार्ट कर दी हुई है, जो कि रॉयल एनफील्ड के शोरूम से निकलते हुए, और इनके पीछे एयो की रॉयल एनफील्ड शोरूम के जो एजेंट होते हैं वो बैठ के ट्राई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ रोहन भाई आ चुके हैं आगे से
और ये यहाँ पे लग चुकी है रॉयल एनफील्ड की हिमालय। तो अभी निकलते हैं अंदर की तरफ और की पिक ले लो। और रेड रॉक और टॉप आ गया पाइन ग्रीन और ग्रेनाइट। देखिए रॉयल एनफील्ड की हेलमेट, ये है, इतनी सारी बाइक्स लगी है। और वो देखिए कितना सही खतरनाक बंदा लग रहा है। और यहाँ पे आपके देख सकते हो सूट्स या फिर राइडिंग जैकेट्स, यहाँ कुछ खतरनाक बाइक्स की वो टी शर्ट भी लगी हुई हैं। टी शर्ट बहुत है। अभी देखते हैं यहाँ पे जैकेट्स दिखा रहे हैं। अवेलेबल नहीं है इसमें, आपको डबल लेयर मिल जाएगी अंदर से, वॉर्मर अटैचेबल मिलेगा, ये सारा पैक में वही आपको कोई कुछ नहीं मिलेगी कम्फर्ट कुछ नहीं मिलेगी, निकाल के आप लेवल 2 का या लेवल 1 का इंस्टॉल कर सकते हो चेस्ट में भी। ये वो टी शर्ट है, टी शर्ट का क्या रेट है? राइडिंग शू जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो अभी गाइस निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि रोहन भाई ने अभी ले ली है टेस्ट ड्राइव हिमालय की। तो हिमालय की टेस्ट लेने के बाद अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो चलते हैं गाइस यहाँ से, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के शोरूम में तो हमने कर ली विज़िट। प्लीज़ मैम थोड़ा साइड हटिए, ये मेरी बाइक है। तो गाइस हमारी बाइक पे लोग ऐसे बैठ जाते हैं, चलो अच्छी बात है बैठते हैं। तो गाइज़ रॉयल एनफील्ड शोरूम के होने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं KTM का शोरूम, जो कि नरवाल चन्नी के पास पड़ता है। तो अभी करते हैं रॉयल एनफील्ड तो हमने देख लिया, अभी KTM जाके देखते हैं 390 एडवेंचर आई है कि नहीं आई है, अभी उसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे या नहीं लेंगे। अभी ऊपर जाके देख 390 एडवेंचर, ये है 390 एडवेंचर। अब पता नहीं इस शोरूम में आई है कि नहीं आई है, ऊपर जाके देखते हैं। तो इस शोरूम में एडवेंचर 250 है सिर्फ, जो कि आपके सामने हैं, जो हम देखने आए थे 390, लेकिन 390 अभी अवेलेबल नहीं है। आपको अभी 250 दिखा के ही जहाँ से चलते हैं। तो एक और बाइक आई हुई है यहाँ पे RC 200, जो कि अभी नई लुक में आई है, क्योंकि पहले वाला लुक था जो कि डबल लाइट आती थी, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ी चेंजेस कर दिए सीट के लिए भी। अभी एडजस्टेबल सीट है थोड़ी, पहले बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी पीछे वाले बंदे में, लेकिन अभी की जो लुक है वो आगे से बिल्कुल चेंज कर दी हुई है। अभी देख सकते हो आप, सिंगल लाइट दी हुई है लेकिन बड़ी लाइट दी है। और ये तूफानी राइट, इसका तो मुकाबला नहीं है, क्या खतरनाक बाइक बनाते हैं भाई KTM वाले। स्पेशल इन्होंने रेसिंग के लिए बाइक बनाई हुई है। और ये देखिए, बिल्कुल छोटी सी बाइक लग रही है, लेकिन इसकी जो पावर है ना, पावर क्या कहना है। तो अभी रोहन भाई चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी रोहन भाई टू RC 200 चेक कर रहे हैं बैठ के कि कैसी कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो भाई कैसी है, कंफर्टेबल है कि नहीं है? कंफर्टेबल है, अच्छा ठीक है, ये ले लेते हैं फिर कि नहीं। 390 लेनी है, अच्छा भाई 390 ले लो। तो भाई चलते हैं, क्योंकि 390 एडवेंचर तो है नहीं और हम क्रूज़र बाइक तो देखी नहीं। अभी चलते हैं, तो अभी चलते हैं हम मस्ती राइड पे, सिद्धरा की राइड, क्योंकि सिद्धरा की राइड अगर कोई राइड करनी है तो सिद्धरा की राइड जाना ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं हम सिद्धरा पे और कुछ दिखाते हैं मस्त से व्यू।
तो फाइनली हम आए थे पिट स्टॉप। पिट स्टॉप में हमने थोड़ी कुछ बातें शाते की, लेकिन अभी निकलते हैं क्योंकि लेट काफ़ी हो चुके हैं। और ये वही रोड है, सिद्धरा का रोड। तो बस अब मिलेंगे व्लॉग में, मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय।